काश मैं भी ऐसा कर सकता। यार तुम क्या कर सकते हो नोबिता? ये स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स पूरे दिन पड़े रहते हैं और लटके रहते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। काश मैं भी ऐसा करता। पर बेटा तुमने अपना होमवर्क किया? उठो अपना कमरा साफ करो और फिर जाके नहा लेना। घर पर भी और स्कूल पर भी मुझे कोई ना कोई काम बोलते ही रहते हैं। काश मैं एक स्लॉट बन जाता और पूरे दिन ऐसे लटका रहता। क्या मुसीबत है। तो फिर तुम एक बार स्लॉट बनकर देख लो। स्लॉट सूट एंड पंच। अगर मैंने ये पहन लिया तो मैं स्लॉट बन जाऊंगा। और इसे पहनने के बाद तुम आलसी बनोगे तो कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। कमाल है। मैं तो स्लॉट बन गया हूँ। अब तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे लिए एक टहनी अपने आप आ जाएगी। नोबिता सुनो, नोबिता अब तुम दिल खोल कर एक स्लॉट की जिंदगी के मजे लो, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम जल्दी बोर हो जाओगे। नोबिता तुमने सारा घर का काम किया या नहीं? नोबिता ये स्लॉट है क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा तुम आज स्लॉट हो, कोई बात नहीं, आराम करो। डोरेमोन मैं यहाँ हूँ। क्या तुम आज ये कमरा साफ कर लोगे? क्या सब मुझे करना होगा? हाँ वैसे भी तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि आज नोबिता तो स्लॉट है। मैं नीचे जाकर तुम लोगों के लिए स्नैक बनाती हूँ। ठीक है, अच्छे से काम करना। मैं नीचे जाकर स्नैक्स खा कर आता हूँ। तुम्हें जो मन में आए वो करो। वैसे सच कहूँ तो वो तो सफाई कभी करता ही नहीं था। अभी यहाँ सब कुछ फैला हुआ है, मुझे ही करना पड़ रहा है। क्या तुम अभी भी यहीं पर ही हो? हाँ हाँ आराम आराम से जाऊंगा। क्या तुम सच में स्नैक्स नहीं खाना चाहते नोबिता? अगर तुम चाहो तो अपना सूट उतार सकते हो नोबिता, और तुम्हें यह भी करना होगा। मैं फंस गया हूँ, उसकी वजह से मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं। डिनर के लिए शुक्रिया मॉम। मेरी इतनी मदद करने के लिए शुक्रिया। डोरेमोन क्या तुम प्लीज ये खाना नोबिता के कमरे तक ले जाओगे? क्या ये लो, ये रहा तुम्हारा खाना। अरे इसमें तो बहुत सारे नूडल्स हैं। हाँ बस ये नूडल्स ठंडे हो गए हैं। क्यों ना अब तुम अपना सूट उतार दो, इतना आलसपन भी अच्छा नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। गुड मॉर्निंग। अरे नोबिता वो अभी तक अंडे ही छील रहा है। मैंने कर दिखाया। ज्यादातर लोग इस सूट को पहनकर परेशान हो जाते हैं और उसे उतार देते हैं। बताओ तुम इतनी देर तक कैसे पहने हुए हो इसे नोबिता? मैं इसे पूरी जिंदगी आराम से पहन सकता हूँ सच में। क्या इस सूट को देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे सोचना चाहिए था तुम नोबिता हो, कोई आम इंसान नहीं। ठीक है मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। हाँ हाँ जाओ जाओ। हाय शिज़ुका कैसी हो? नोबिता ये तुम? चलो साथ में स्कूल चले। अच्छा ठीक है। आज का मौसम तो बहुत सुहाना है। हाँ है तो। जियान धीरे चलो, जल्दी चलो हम लेट हो रहे हैं। माफ करना मुझे देर हो रही है। लोगों को न जाने किस बात की जल्दी है। स्कूल तो सच में बहुत दूर है। बिल्लियाँ तो काफी तेज चलती हैं। चीटियाँ भी आज मुझसे काफी तेज चल रही हैं। हाँ मुझे लगता है ये कीड़ा तो अपने लिए सर्दियों की तैयारी कर रहा है। ध्यान से देखो तो पता चलता है ये सब कितनी मेहनत करते हैं। पता नहीं नोबिता स्कूल गया भी होगा या नहीं, लगता तो नहीं है। वो अभी यहीं पर है। अब तो
अरे डोरेमोन स्कूल के लिए चले जाते। हाँ तो अब मैं किताब पढ़ने के लिए किसको बुलाऊं? नोबिता, ये बहुत अच्छी बात है कि एक स्लॉथ होते हुए भी तुम आज स्कूल आए हो। चलो अपनी बुक खोलो और एक पैसेज पढ़ो। ठीक है। पेज नंबर 62 खोलो। ठीक है सर। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 16, 40, ये तो... अच्छा बहुत हो गया नोबिता, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हारे एक टीचर तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं, तो इसलिए कल देर मत करना, जल्दी आ जाना, ठीक है? समझ गए? ठीक है। तो जाने से पहले सबको बाय बाय कर लो। ठीक है, बाय बाय टीचर। बाय बाय। 40 के बाद क्या आता है, क्या आता है? नोबिता, क्लास खत्म हो गई है। हाँ, क्या सच में? चलो धीरे धीरे वापस घर चलते हैं। माफ करना, लेकिन मुझे पियानो क्लास के लिए जाना है, देर हो जाएगी ना? अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम एक स्लॉथ हो इसलिए आलस करने पर भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। ऐसी बात है तो तुम भी स्लॉथ सूट पहनोगे, बहुत आरामदायक है। सुनियो, ये सब बेकार की चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं, मुझे भी बहुत सारा काम है। लगता है आज सबको कुछ न कुछ काम है। ये तो वही कीड़ा है जो मुझे सुबह दिखा, ये तो वही चींटियां हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं, आप यहाँ संभल कर आइएगा, यहाँ एक कीड़ा सो रहा है। कीड़ा? वहाँ चींटियां हैं, ध्यान से। मुझे माफ कीजिएगा, अगली बार आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये लोग सर्दियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग। हाँ, कर रहे हैं। अरे शिज़ुका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैड फाइल भूल गए, बस वही पहुँचाने उनके ऑफिस जा रही हूँ। क्या, पर तुमने आज के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर लिया है? हाँ लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। लगता है जल्दी में है। मुझे पता नहीं शिज़ुका ठीक होगी या नहीं। मुझे बहुत थकान हो रही है, काश आज मुझे पियानो प्रैक्टिस के लिए ना जाना पड़े। तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। नोबिता, कभी कभी रुककर आराम भी करना चाहिए शिज़ुका, अच्छा लगता है। पर नोबिता, कुछ दिनों में मेरे पियानो का शो भी है। अगर तुम स्लॉथ सूट पहनती हो तो तुम बिना किसी मुसीबत के आराम से जी सकती हो, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? ये मुझ पर कैसा लग रहा है? हाँ हाँ, ये तो तुम पर बहुत जच रहा है, चलो अब इसे अच्छे से पहन लो। मुझे लग रहा है कि मैं जैसे असली स्लॉट बन गई हूँ। इसके साथ तुम जितना भी चाहो उतना आलसी हो सकती हो। लेकिन किस तरह का आलसीपन? अरे तुम बैठकर आसमान को देख सकती हो और 3 दिन तक तो तुम सारे तारे गिन ही लोगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों ना तुम अभी सो जाओ और कल आराम से उठो। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल होगा। अच्छा तो मैं पियानो प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। अरे नहीं शिज़ुका, सुनो, ये तो बहुत अजीब है, समझ नहीं आता कि कोई आरामदेह जिंदगी को मना क्यों करेगा भला। मुझे लगता है पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ तुम्हें ही लगता होगा नोबिता। डोरेमोन, अब तुम इसका इस्तेमाल कभी मत करना। अरे नहीं, मुझे ये चाहिए डोरेमोन, प्लीज मुझे ये वापस दे दो, प्लीज दे दो। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ दिन और रखना चाहता हूँ, प्लीज मुझे स्लॉथ सूट वापस दे दो डोरेमोन, प्लीज। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी आलस करने की सजा है, तुम्हें तो खूब सारी डांट भी मिलनी चाहिए। नोबिता, क्या तुम्हें पता है अब क्या वक्त हुआ है? माफ कर दीजिए सर। आज तुम सबसे मिलने के लिए जो आ रहे हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीत चुके बायोलॉजी के टीचर हैं, तो जाओ।
चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाओ, जाओ। ठीक है। बच्चों आओ तुम सबको मिलवाता हूँ। तो ये है मिस्टर अरे। हाँ अरे ये तो वही है जिनसे मैं कल मिला था। अच्छा तो तुम इसी स्कूल में पढ़ते हो। क्या आप इसे जानते हैं सर? हाँ हाँ ये आजकल के बच्चों जैसा नहीं है। ये प्रकृति को बहुत करीब से देखता है और छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाता है। ये बच्चा इतनी छोटी उम्र में बहुत ही अच्छा है। डांट पड़ने की जगह उसकी तारीफ हो रही है, ऐसा कैसे हो गया? मैं आज सबको अपने बचपन के बारे में बताऊंगा। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं भी नोबिता की तरह ही था। बिल्कुल मुझे भी पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आजकल लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं और स्कूलों में भी कितना होमवर्क मिलता है, पर नोबिता इन सब चीजों के लिए वक्त निकाल कर उनको देखता है। नोबिता तुम बिल्कुल ऐसे ही करते रहना। ठीक है। पर इस सब के साथ अपना होमवर्क करना भी बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें कुछ समझ में आया नोबिता? समझ गया।